हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि ये सारी क्लासे आपको फ्री, बिल्कुल 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 ही फ्री दी जा रही हैं। तो अभी जो हमने देखा है, कुछ सेशन सीपीएसआई के बहुत अच्छे, उसका जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो अभी कुछ दिनों से वीडियोज आप देख नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? आप अपने सुझाव कॉमेंट में लिख सकते हैं कि सुझाव क्या है इसके लिए, आप क्या इसमें बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं आपसे कि वहां पे हम आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, और इसके बाद जो डाउट होते हैं वो शाम वाली क्लास में बिल्कुल 100% क्लियर करा दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल प्रोसेस था। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कराना चाहते हैं इसमें, इस सीपीएसआई के सेशन में, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप कॉमेंट करिए, उसको हम पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे। 200% आपकी, मतलब आपका जो कमेंट होगा उसको पूरा ध्यान में रखा जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो मोटिवेशन कोट है, कह रहा है, ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन। हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं या दोबारा जन्म लेते हैं। व्हाट वी डू टुडे इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। और उस दिन हम क्या करते हैं वो जो है वो मायने रखता है। समझ रहे हैं? ये बुद्धा का, समझ रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा का कथन है। जो भी बच्चा इस टाइप का है ना काम कर रहा है, मतलब इन चीजों को फॉलो कर रहा है, इन स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहा है, 100 नहीं 200% वो लाइफ में आगे जा रहा है, वो 100% लाइफ में आगे जा रहा है, ये आप जानते हैं। तो आपको भी करना चाहिए, आपको भी इन चीजों को, बुद्धा के जो भी थॉट्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। और सिर्फ बुद्धा के ही क्यों, हर उस महापुरुष के थॉट फॉलो करने चाहिए जिन्होंने अपने स्ट्रगल से, अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें कही हैं, ना कि बुक इज नॉलेज से। समझ रहे हैं? हर उस आदमी को फॉलो करना चाहिए। चलिए भाई, फटाफट से ये वाला सवाल देखिए, इस वाले सवाल को आप निपटाइए, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है और ये सीपीओस के एग्जाम में आया था, आपको पता है। कह रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/√tan। तो आपसे पूछ रहा है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। सपोज करो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता, तो आप मुझे ये बताओ ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर मैंने ऑब्जर्वेशन यहां थीटा से स्टार्ट किया, मेरे दोस्त ये 90 डिग्री है, आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। अगर यहां से मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तो फटाफट मुझे ये बताओ कि कॉस थीटा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं शाम वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये मैंने शाम वाली क्लास में बिल्कुल क्लियर कर दिया है, तो इसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो दी हुई है 1/√tan। तो मित्र, रूट का टेन जो होगा वो हाइपोटेनस होगा और बेस होगा 1, तो बेस होगा 1 और ये होगा रूट का 10। मेरे दोस्तों, अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप ये बताओ कि फिर टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। आप ये बात जानते हैं सर जी, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है, परपेंडिकुलर की हमें वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो 10 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे यानी बेस का स्क्वायर, तो ये तो होगा -1। अब आप जानते हैं, अगर आप परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहते हैं, तो इसका क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी क्या, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3 के बराबर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3, क्या गई 3। चलो यहां पुट कर दो, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 1 है, तो मेरे दोस्तों ये जो आंसर आया वो आया 3, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, मित्र टेन थीटा की वैल्यू मिल गई 3। हालांकि ये सवाल बेहद ही आसान था, अगर हमने आपको ट्रिपलेट में ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, तो ये बिल्कुल ही आसान सवाल है। और ट्रिपलेट वाली कम से कम वीडियो आप जाके देख लीजिएगा,
ये मैं आप बड़ी उम्मीद से कह रहा हूँ, आप देखेंगे शाम वाली क्लास में ट्रिपलेट बढ़िया से एडवांस पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो टू हीरो एडवांस है फतेह बैच के अंतर्गत। ठीक है भाई, अगला सवाल है, कह रहा है इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मेरे दोस्तों ये बकवास चीज है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया अगर तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमें। अब आप मुझसे पूछिए ऐसा क्यों है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो हमें क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे ये वाई नहीं है मेरे दोस्त, ये ए है, ये ए है, याद रखना ये ए है, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू आपसे कह रहा है कि ये है 40 डिग्री, और कह रहा है ये वाला जो एंगल है ना सर जी, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। अच्छा भैया, तो पूछ रहा है आपसे कि ए एक्स बी की वैल्यू, यानी ए एक्स बी इस वाले पूरे एंगल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ए एक्स बी की वैल्यू, तो ये 40, ये मतलब ये 30, तो आप जानते हैं कि 180 में से अगर मैं इन दोनों का ही सम घटा दूं, इन दोनों का ही सम घटा दूं, तो मित्र हमें ये मिल जाएगा 110 डिग्री के। ये तो हर बच्चे को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल जो था वो बिल्कुल झंडू सवाल था, हालांकि भूमिका बहुत ज्यादा बना दिया था, लेकिन पूछा बहुत छोटी सी चीज था। और बच्चे ये तो आप जानते हैं, अगर हमारे चैनल पे आपने शॉर्ट्स से देखा होगा, शॉर्ट्स वीडियो समझ रहे, शॉर्ट्स वीडियो, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने आपको ये बता रखा है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर कुछ भी दिया हो, मान लो पी दिया हो, और आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू अगर पूछी जा रही है, तो आपको मैंने बताया है कि पी क्यूब माइनस का 3p। अगर सपोज करो आपसे पूछा जा रहा है एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर पी दे दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो मेरे दोस्त ये होगा पी क्यूब प्लस का 3p, यानी कि जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, और जब यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। बस इतनी ही चीज आपको याद रखनी है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब जो फॉर्मूला होगा वो पॉजिटिव में आएगा, p क्यूब माइनस 3 प्लस 3p। अब p की वैल्यू क्या है, देखो p की वैल्यू यहाँ पे 4 दी है, तो 4 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 64, और प्लस p की वैल्यू 4 है तो 4 3 12 के मेरे दोस्त ये हो जाएगा 76 के। अब बताओ इससे आसान सवाल कहीं मिल सकता है क्या, इससे आसान सवाल कहीं मिल सकता है? अगर हमारे, मैंने कहा ना, अगर मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो आपने देखा होगा तो भी आप कर पाएंगे बहुत आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे दोस्त। ये अगला सवाल है, एक बार इसको जरा पढ़ो और आप ये पाएंगे कि सर जी ये सवाल आपने एक बार पहले भी बताया है, यानी कि इस टाइप का बताया है सवाल आपने, तो ये सवाल भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे कह रहा है कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो कह रहा है कि जिस एक सर्कल है इसका सेंटर ओ है, कह रहा है एक पॉइंट है यहाँ पे पी, यहां से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं, एक टेंजेंट यहां पे और एक टेंजेंट यहां पे, टेंजेंट यहां पे, ये दो टेंजेंट खींचे जाते हैं। तो भैया टेंजेंट और त्रिज्या को मैं मिला दूं, आपको कोई दिक्कत नहीं, और इस से खींचता हुआ मैं एक वो खींचूं, क्या बोलते हैं, कॉर्ड खींचूं, कोई दिक्कत? आप ये बात जानते हैं, ये आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। सपोज करो अगर ये थीटा हुआ तो मित्र ये भी थीटा होगा, तो आप मुझे बताओ फिर ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? हमें पता सर जी ये ट्रायंगल बना रहा है, अगर ये थीटा ये थीटा, तो मेरे दोस्तों एंगल मैं रख देता हूं नाम, यहाँ पे ए रख दो, यहाँ पे बी रख दो, मैं कह दूं एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे दोस्तों हमें ये पता है कि टोटल 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसमें से ये दोनों ही वैल्यू आप घटा दीजिए, यानी कि 2 थीटा ये हो गई। अब एक बात और बताओ ध्यान से, क्योंकि ये एक चतुर्भुज भी बन रहा है, आप कहेंगे कैसे, मैं कहूंगा देखो बच्चा ऐसे, ये एक, ये दो, ये तीन, और आप ये भी जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90-90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90-90 डिग्री कैसे, देखो यहां से ये जो एंगल बन रहा है और यहां से ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों ही 90 है, और 90-90 मिलके 180 होते हैं, समझ रहे हैं? और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है,
180 ये दोनों बना जा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों मेरे दोस्त, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके भी 180 बनाएंगे, आया ना? तो यानी ये दोनों एंगल मिलके 180 बना रहे हैं, समझ रहे भाई साहब? सपोज ये करिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल कौन सा पूछ रहा है, ए पी बी, ए पी बी, तो ए पी बी ये मिलके 180 बनाएंगे। अब मेरे दोस्त आप ये भी जानते हो एंगल ए ओ बी की वैल्यू यहां रही 180 माइनस टू थीटा प्लस ए पी बी, ए पी बी 180। देखो दोस्तों 180 से 180 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। और आप जरा देखो यहाँ पे कह रहा है कि ओ ए बी, ओ ए बी यानी ये जो थीटा माना आपने ये तो 20 डिग्री के बराबर है, तो थीटा बराबर 20 डिग्री के, तो 20 दोनों हो जाएगा 40 के, या ऐसे कर लो एंगल ए पी बी दैट इज इक्वल टू 2 × 20 डिग्री, ये हो जाएगा 40। तो आंसर जो आपका वो 40 डिग्री हुआ। अब एक बार जरा रुको और यहां से कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट जरूर बना सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला एंगल 20 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 20 डिग्री है, दोनों तो मिलके कितने हो गए 40 डिग्री, और हमारे इस एंगल की वैल्यू कितनी आ रही 40 डिग्री। सर इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है? इससे कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि यहां पे जो दोनों एंगल बनेंगे ना इसके सम के बराबर होंगे, बस इतनी बात समझ लेना, यहां पे जो दोनों एंगल बनेंगे इसी के सम के बराबर होंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां जो दोनों एंगल बनेगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, समझ रहे? चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट सवाल है ये, ए बी सी आर पार्टनर्स, ये तीनों पार्टनर्स हैं और पार्टनरों का शेयर कौन सा है? देखो पार्टनर का जो शेयर है वो इस रेशियो में, अब ये कौन सा रेशियो है? ये बच्चा है 5, 3 और 6 के, तो 5, 3, 8, 6, 14 यानी कि टोटल फंड यानी कि 14 यूनिट हुआ, और ये 14 यूनिट बराबर किसके होगा, 1, 9, 2, 3, 8, 0 के। तो अगर मैं 14 से इसको काट दूं, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शेयर ऑफ सी चाहिए, तो सी का शेयर है 6 यूनिट, शेयर सी का यूनिट क्या है 6 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1, 9, 2, 3, 8, 0 दैट इज इक्वल टू 6/14, काटू मैं 14 कर दो, 2 × 3 = 6 हुआ, 2 × 7 = 14 हुआ, ठीक है। तो देखो जरा, अब इसको अगर मैं काटूंगा तो गुड़े के रूप में क्या आएगा मेरे दोस्तों? देखो 0 पहले गुड़ा कर लो 3 का, 3 × 8 = 24 के 4 कैरी हो गया 2, 3 × 3 = 9, 2 × 11 के कैरी हो गया 1, 3 × 2 = 6, 1 7, 3 × 9 = 27 के 7 कैरी हो गया 2, 3 × 1 = 5, मेरे दोस्तों 7 से भाग दे दो, तो 7 से भाग दोगे 7 × 8 = 56, यानी कि 8 जिसके शुरुआत में वही हमारा आंसर, तो 8 × 2 = 4 = 9, ठीक है, कटेगा नहीं आगे भी जाएगा, क्योंकि कटना तो दिख ही नहीं रहा कटेगा ये, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर है आपका, क्योंकि हमारे पास पहले शुरुआत में कुछ मिल गया था तो हमने कर दिया काम। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहा है कि टू व्हाट पावर -3 शुड बी रेज टू गेट -2187, यानी कि लास्ट का यूनिट डिजिट 7 है मेरे दोस्त, 7 है। चलो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये माइनस वाले आंसर हमारे नहीं हो सकते, पूछो क्यों, क्योंकि अगर माइनस वाले आंसर होते तो चीजें 1/1 में आती, और 1/1 मेरा आंसर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। अब हमारे पास दो ही चीज बची है क्या, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा मेरे दोस्तों? अगर मान लो 3 पे पावर अगर 5 होता या 3 पे पावर अगर 7 होता तो कौन सा मेरा आंसर होता? चलो फटाफट यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाओ, 4 से काटो 1 बचेगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो क्या ये आंसर होगा? नहीं, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर कौन सा होगा, ये 7 वाला। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर जी पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं इसको, तो चेक कर लो 4 से काटो, यहां बचा -3 पे 3, 3 × 3 = 27, यूनिट डिजिट 7, देखो यूनिट डिजिट 7 है, इसका मतलब है मेरा आंसर यही है। अरे बोलो, हाँ नेक्स्ट सवाल है, ये तो झंडू सवाल है बिल्कुल एकदम। देखो tan थीटा की वैल्यू आपसे कह रहा है कि और tan ये कह रहा है tan थीटा नहीं, 8 थीटा वैल्यू कह रहा है, थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2, sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1/ sin थीटा
30, साइन से साइन गया, थीटा की वैल्यू जाती है 30 के बराबर। तो ये तो बच्चे की सवाल पहले भी हुआ है, आज भी हो गया। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। कह रहा है क्यू जो है, तो यहाँ पी रख लो, यहाँ क्यू रख लो, यहाँ आर रख लो। कह रहा है ये 90 डिग्री है। अच्छा ये 90 डिग्री है, चलो भैया ठीक है। पी की वैल्यू कह रहा है 6, पी आर की वैल्यू 10, तो ट्रिपलेट में ये 8 हो जाएगा। क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, 8 कितनी होगी मैं बताते, और ये ट्रिपलेट है आप जानते हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एक 6 दिया है, एक 10 दिया है, दोनों का रेशियो ले लो। तो दोनों का रेशियो लोगे तो आएगा कितना, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा। अब बताओ 3 और 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं सर जी, 4 के साथ। तो 3, 4 और 5, अब है ये सबके दो दो के मल्टीपल के रूप में। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10। आप जानते हो 6 और 8 तो दिए हुए थे, तीसरा वाला हो जाएगा 8 के। तो यहां से भी इस चीज को कर सकते थे। अगला सवाल है, कह रहा देखो, कह रहा कि द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विथ हाइट 6 सेंटीमीटर इज 231। तो मेरे दोस्त हाइट ये है, देखो हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम जो दे दिया है वो दिया है 231। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 231। तो ये होगा 22/7। आर की वैल्यू हमें नहीं पता, आर की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू की 6, एच की वैल्यू की 6, 231। यहां से काटो, 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 कम 11, 3 से काट दो या 3 7 21, यहां बचा 2, 2 2 हो गया 4, तो भैया यहां हो गया 7। आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 7/2 का होल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 3.5। आर की वैल्यू क्या होगी भैया, 3.5। तो ये वाला करेक्ट है सर, 3.5। भैया ये आज का लास्ट सवाल है, कह रहा है कि स्केयर है कोई, चलो भैया कि स्केयर है कोई, ये स्केयर है, अब ये बन गया रेक्टेंगल, कह रहा है स्केयर है कोई, ये स्केयर है। देखो इसके जो डायगोनल होंगे वो इक्वल होंगे, अगर ये डी है तो भैया ये भी डी होगा, ठीक है, ये दोनों ही डी होते हैं। और एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का वो होता है हाफ डी स्केयर के। कह रहा है एरिया आपका 64 है, तो आपको बताना है डायगोनल की वैल्यू। मेरे दोस्त डायगोनल की वैल्यू बताना है, तो आप जानते हो ये हो जाएगा 128 के, पूछो क्यों, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हमें डी की वैल्यू चाहिए तो रूट कर देना पड़ेगा, तो 64 तो छा ही, 64 की वैल्यू हो जाएगी रूट का, 8 हो जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा रूट का 2। तो जो आंसर आया डायगोनल का वो क्या है, 8√3। चलो बच्चों आज तो इतना ही है, आज आपके लिए इतना ही है हमारे पास, और थोड़ा सा फास्ट हुआ है। फास्ट इसलिए हुआ है क्योंकि आप जानते हो कि ये सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है। अच्छा जो डाउट वाउट रहते हैं वो शाम वाली क्लास में आपके दूर होते हैं, शाम वाली क्लास अटेंड करना मत भूलिए। मैं फिर कहता हूँ ये क्लास रिकॉर्डेड होती है, आप सभी लोग इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लाइव क्लास है, बट लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास होती है। लाइव क्लास 8 बजे होती है, डाउट वहां पे क्लियर होते हैं, ठीक है। जो कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड, क्वेश्चनों से रिलेटेड, वो सारे आपके दूर होंगे शाम वाली क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।